नमस्कार, मैं लखन सालवी और आप देख रहे हैं डेली राजस्थान। आपकी स्क्रीन पर जो ये दृश्य दिख रहा है, ये दृश्य उदयपुर जिले के गोगुंदा क्षेत्र में बारिश के दिनों में दिखाई पड़ता है। गोगुंदा उपखंड मुख्यालय से वाकल क्षेत्र की ओर जाते समय थल बावजी की घाटी के समीप से दाईं ओर देखने पर यह दृश्य नजर आता है। यह दृश्य हर किसी का मन मोह लेता है। एक पल के लिए लगता है कि यही रुक जाया जाए और इसे निहारा जाए। यहाँ से कुछ दूर चलने पर मोखी गांव का उटिया बाटा फला आता है। यहाँ एक पुलिया है और पुलिया से दाईं ओर देखने पर यह दृश्य दिखाई पड़ता है। इस दृश्य को देखकर यहाँ के लोगों की दुर्दशा पर दया उमड़ने लगती है। पुलिया के पास जमा पानी के पास गड्ढा खोदकर पानी भरती महिलाओं को देखकर इनकी दशा का सहज ही अंदाजा लगाया जा सकता है। नाल ग्राम पंचायत के इस ऊंटिया भाटा फले के 32 परिवारों के लोग बरसों से गड्ढे में एकत्र होने वाला पानी पी रहे हैं। इस फले में अलग अलग जगहों पर 4 हैंडपंप लगाए गए, लेकिन सब में फ्लोराइड युक्त पानी आता है। मजबूरी वश लोग इस पानी को उपयोग में ले रहे हैं। किसी भी सरकार ने इनकी सुध नहीं ली। दरअसल पुलिया के पास पहाड़ से रिस कर आ रहा पानी यहाँ पर जमा हो जाता है। महिलाओं ने इसके पास में एक छोटा गड्ढा खोद रखा है। इसमें एकत्र होने वाले पानी को वो बर्तन में भरकर ले जाती है। यह पानी पीने के लिए उपयोग में लिया जाता है। पानी भरने के लिए हर समय यहाँ महिलाओं व बच्चों की कतार लगी रहती है। एक मटका भरने में करीब 15 मिनट लगते हैं। गोगुंदा ओगना मार्ग पर आने जाने वाले लोग रोजाना यहाँ महिलाओं व बच्चों को पानी भरते हुए देखते हैं। प्रशासनिक अधिकारियों व जनप्रतिनिधियों को भी इसकी जानकारी है। आपको बता दें कि यहाँ गंदा पानी पीने के कारण हुए वायरल से 2 मौतें हो गई थी। तत्कालीन कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष सचिन पायलट व भाजपा सरकार के तत्कालीन मंत्री राजकुमार रीणवा ने यहाँ का दौरा किया था, लेकिन इनके लिए कोई भी पेयजल की व्यवस्था नहीं कर पाया है। यहाँ के होमाराम व हीराराम गमेती ने बताया कि यहाँ कुआं खोदकर पनघट लगाने की जरूरत है। दापूबाई, जीवलीबाई व मंजूबाई बताती है कि कई बार पनघट की मांग की, लेकिन सुनवाई नहीं हुई है। इस गांव से कुछ एक किलोमीटर दूर 2 बांध बनाए जा रहे हैं। यहाँ के बांधों के पानी से शहर के लोगों की प्यास बुझाई जाएगी, मगर यहाँ के लोगों की प्यास बुझाने वाला कोई नहीं है। यहाँ पर महज एक छोटा कुआं और जो है पानी की टंकी बना देने से इन लोगों की समस्या का समाधान हो सकता है, लेकिन पिछले कई वर्षों से यहाँ के लोग जो है पानी को लेकर परेशान हैं और इस तरीके से मजबूरी वश नाले के पास का पानी भरकर ले जाना पड़ रहा है और इस पानी का ये उपयोग कर रहे हैं। कुछ दिनों पहले डेली राजस्थान पर एक वीडियो में आपने देखा कि उदयपुर जिले के गोगुंदा ब्लॉक के अंबावा क्षेत्र के गोर छापरा फले की महिलाएं रोजाना घरों से दूर नाले के पास से गड्ढे से पानी लाती है। वे दशकों से इसी तरह पानी भरती आई है और अब भी ऐसे ही पानी भर रही है।